मुझे आप कौन सा प्रोग्राम करना चाहती हैं ताकि उस प्रोग्राम की मुताबिकत से फिर हम अपनी पॉलिसी बनाएं। सर मुझे कोई प्रोग्राम से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत की स्ट्रेटजी यही है कि एहतजाज की कॉल है तो मोटरवे बंद कर दो, शहर बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, इंटरनेट डाउन कर दो, सब कुछ लॉक कर दो। फिर तो आपको पता है ना ट्रैफिक ज्यादा होती है ना डॉक्टर साहब, बहुत लोग इस्लामाबाद लाहौर जाते हैं, लाहौर इस्लामाबाद जाते हैं। जी मेंटेनेंस का काम आप लोगों ने इन्हीं तीन दिनों के अंदर किया है तो आप खुद ही शहर बंद कर रहे हैं, खुद ही आप हॉस्टल से बच्चों को घर भेज रहे हैं, स्कूल दे सर ये हुकूमत जवाब देगी ना। जी डॉक्टर साहब, तो आपने सब कुछ बंद कर दिया मेंटेनेंस के लिए, आपने मोटरवे बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिए, चले वीकेंड पे तो स्कूल बंद होता है, यूनिवर्सिटी घर भेज। जब वो ये कहें कि हम जेल तोड़ के कैदी को साथ लेकर जाएंगे, जब वो ये कहें कि हमें किसी का बाप नहीं रोक सकता, हम इस्लामाबाद में आएंगे, कब्जा करेंगे और वहीं रहेंगे, ठीक है सर, तो उसका नतीजा ये है कि आप लोगों ने ये कॉल देंगे, आप शहर बंद करेंगे, तो सर वो तो मैं बिल्कुल, हमें ये ट्रेलर ट्रैक्टर जो भी ये कंटेनर ये लगाने पड़ते हैं, रोकने के लिए लगाने पड़ते हैं, ठीक है, हमें पुरमन एहतजाज करने की इजाजत दें, हम पुरमन एहतजाज करते हैं, एक गमला भी नहीं टूटेगा, हमने तीन चार जलसे किए, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट, एक मिनट ठहरिए, शहर को बंद करने, सुबह को बंद करने के अलावा ये आपकी फाइनल साहब, आप लोग कल आ भी रहे हैं नहीं, क्योंकि मैंने मेरा सवाल ये था, रघुवंशन साहब कह रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, शायद तारीख आगे पीछे हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीके इंसाफ ने 24 नवंबर की कॉल क्या दी कि हम एहतजाज करेंगे और आवाम इतनी ज्यादा होगी कि सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, पूरा मुल्क बंद होगा, मगर हुकूमत ने खुद ही आज से ही पूरा मुल्क जाम करके रख दिया, मोटरवे बंद कर दी। इस पर मारिया मेमन ने लाइव शो में आज नून लीगी सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलक की ऐसी तारीखी चित्रोल की कि मजा आ गया। आए पहले इनकी गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारा है शहरी तो हमारे हैं, वो जो भी हैं जिस सुबह से ताल्लुक रखते हैं, हमें मिन हासिल को तमाम इदारों को सोचना होगा कि हर रोज 15-20 सिक्योरिटी एहलकार नौजवान, हमारे जवान फौजी ऑफिसर शहीद हो रहे हैं और दो सूबों में अमलन दहशतगर्दी है और हुकूमत और खासतौर पर पंजाब हुकूमत चढ़ दौड़ी है पीटीआई के नेते कारकुनों को ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए। मैं इस वक्त सफर कर रहा हूँ मोटरवे पे, एक पैनिक है, पूरे पाकिस्तान को बंद किया जा रहा है, मोटरवे का एक शेड्यूल आया कि 8 बजे के बाद पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। ये भी बड़ी से बड़ी दिलचस्प बात है डॉक्टर सदीक साहब कि आपको उसी वीकेंड पे, उसी वीकेंड पे जहाँ पे तरीके इंसाफ का इस वक्त ये धरना है, ये एहतजाज है, बड़े कन्वीनियंटली मोटरवे को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया माशाल्लाह। वीकेंड पे तो आपको पता है ना ट्रैफिक ज्यादा होती है ना डॉक्टर साहब, बहुत लोग इस्लामाबाद लाहौर जाते हैं, लाहौर इस्लामाबाद जाते हैं। जी मेंटेनेंस का काम आप लोगों ने इन्हीं तीन दिनों के अंदर किया है तो आप खुद ही शहर बंद कर रहे हैं, खुद ही आप हॉस्टल से बच्चों को घर भेज रहे हैं, स्कूल्स बंद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे इस्लामाबाद लाहौर पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर रहे हैं। जी 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 मैं ये डॉक्टर साहब से मुझे पूछने दे, ये डॉक्टर साहब से मुझे पूछने दे सर, ये हुकूमत जवाब देगी ना। जी डॉक्टर साहब, तो आपने सब कुछ बंद कर दिया मेंटेनेंस के लिए, आपने मोटरवे बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिए, चले वीकेंड पे तो स्कूल बंद होता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को घर भेज दिया, हॉस्टल बंद कर दिए। या आप सही कह रही हैं जी, मैं एक तो आमिर डोगर साहब ने जरा थोड़ी सी सियासी बात की है, मैं तो कहना तो मैं ये चाहता था कि ये जो पॉलिसी बदली थी और लाके इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया था वो पीटीआई ने किया था, पीटीआई की हुकूमत ने किया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये ऐसे नाजुक सा वक्त है और मुश्किल सा वक्त है और मेरे दोस्त आमिर डोगर साहब को तो मैं जानता भी हूं, तो इस वजह से गैर मुनासिब होगा। हकीकत यही है कि ये पॉलिसी बदल के उनको ला के वापस दहशतगर्दों को आबाद करना, उनके दोबारा से स्लीपर सेल बनना, उनके हमले होने, ये तो पिछली हुकूमत की पॉलिसी थी जिसकी वजह से अरबों डॉलर जो हैं वो गारत हो गए। और मैं दोबारा आपको ये कह रहा हूँ कि वफाक का हर रिसोर्स सूबे के लिए अवेलेबल है, हर रिसोर्स अवेलेबल है, हम इमरजेंसी तो नहीं डिक्लेयर कर देते, वरना आप इस वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर करने पे प्रोग्राम कर रही होती सर, वजीराजम सबको बुलाकर बिठा कर एक मीटिंग जरूर कर लेते हैं। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, आप मुझे एक सेकंड दे दीजिए। जी सॉरी आप कहिए, सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुन सका। नहीं मैंने कहा कि वो ये जरूर कर सकते कि वजीराजम साहब बुला लेते, एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग कर लेते, अंदाजा होता है कि सूबे विफाक इस इशू पे साथ खड़े, अलग अलग नजर आ रहे हैं ना, इसका फायदा कौन उठाएगा, वही कुवतें उठाएगी जो करना चाहती हैं काम। जी आप सही कह रही हैं जी, और इसके अंदर वो दूसरा जवाब भी है जो आपने पूछा है, यानी जब आप ये कहें, जब सूबे के वजीरे आला एक दूसरे सूबे को भी और वफाक को कहें कि हम उस पर कब्जा करने आ रहे हैं या हमला करने आ रहे हैं, जब वो ये कहें कि हम जेल तोड़ के कैदी को साथ लेकर जाएंगे, जब वो ये कहें कि हमें किसी का बाप नहीं रोक सकता, हम इस्लामाबाद में आएंगे, कब्जा करेंगे और वहीं रहेंगे, और ना सिर्फ कहें बल्कि माजी में उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी हो, आपने उनको देखा हो कि पीटीवी के ऊपर कब्जा करने के बाद वो विक्ट्री के निशान बना रहे हैं जैसे कोई गैर मुल्की ताकत हो जिसने अपने मुल्क के सबसे बड़ा जो नेशनल इदारा है मालूमात का, इंफॉर्मेशन का, उस पर कब्जा कर लिया हो। उसके बाद आपने 9 मई भी होता देखा है, एक ऐसी पार्टी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो
कि वो शहीदों के बुतों को उठा उठा के उनकी गर्दनें काटे और उसको फेंके, और ट्रैक रिकॉर्ड हो कि वो असला खाना जहां पे फौज का पड़ा होता है उस कले पे हमला करे, और ट्रैक रिकॉर्ड हो कि वो सरगोधा बेस के ऊपर जाके जहाजों को आग लगाए, बाहर भी लगाए और अंदर जाने की भी कोशिश करे। ठीक है सर, तो उसका नतीजा ये है कि आप लोगों ने ये कॉल देंगे, आप शहर बंद करेंगे, आप बंद करेंगे, तो सर वो तो मैं बिल्कुल बिल्कुल जी मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। ये आपकी बात सही है, क्योंकि जब इस तरह की सूरत हाल हो जाए, जब ट्रैक रिकॉर्ड ये हो और एक कहे कि मैं दोबारा से धावा बोलने लगा और किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता, तो वो लोग जहां पे वो आना चाह रहे हैं वहां के पे जानो माल की हिफाजत करना वफाक का फर्ज होता है। सही। फिर हमें ये ट्रेलर ट्रैक्टर जो भी ये कंटेनर ये लगाने पड़ते हैं, रोकने के लिए लगाने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम आएंगे। रिएक्टिव पॉलिसी है कि वो कॉल देंगे, हम शहर बंद करेंगे, लेकिन एक सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमें अच्छा दूसरी ऑप्शन मारिया साहिबा, दूसरी ऑप्शन ये है कि हम आने दें, आग लगने दें, आपके मेरे बच्चों को जलने दें, सरकारी अमलाक और प्राइवेट अमलाक को आग लगने दें, अगर ये सारा कुछ हो जाए और वाकई जेलों के ऊपर हल्ले बोले जाएं, तो उस दिन जब आप शाम को प्रोग्राम कहेंगे तो करेंगे तो क्या कहेंगे कि क्यों नहीं रोका? नहीं, एक मिनट ठहरिए, पूरे शहर को बंद करने, सुबह को बंद करने के अलावा ये आपकी फाइनल और आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। बिल्कुल बंद करेंगे जितनी मर्तबा ये करेंगे हमें बंद करना होगा, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आपका नुक्ता आ गया, आपका नुक्ता आ गया। आप शाम को हमें प्रोग्राम करके कहेंगी, उस दिन शाम को आप प्रोग्राम करके कहेंगी कि आपको पता था कि इन्होंने पहले आग लगाई तो आपने क्यों नहीं रोका? चले नुक्ता आ गया। बच्चे मर गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो इतने पुलिस वाले मर गए हैं, इनको गोलियां लगी हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे आप कौन सा प्रोग्राम करना चाहती हैं ताकि उस प्रोग्राम की मुताबिकत से फिर हम अपनी पॉलिसी बनाएं? सर मुझे कोई प्रोग्राम से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत की स्ट्रेटेजी यही है कि एहतजाज की कॉल है तो मोटरवे बंद कर दो, शहर बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, इंटरनेट डाउन कर दो, सब कुछ लो कर दो। सो गुड फॉर यू, ये आपकी पॉलिटिकल पॉलिसी है। उसको आग लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप जारी रखें जरूर। मुझे जो सवाल है, मुझे सवाल डॉक्टर साहब से पूछना है, डॉक्टर साहब कल क्या आप लोग आ भी रहे हैं या नहीं? क्योंकि अभी रऊफ हसन साहब कह रहे हैं जियो पे शहजाद इकबाल साहब के साथ कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं तारीख बदलने की भी ऑप्शन मौजूद है। क्या अभी मौजूद है कि इसको आगे कर सकते हैं, धरने को, जलसे को, जो भी आपका एहतजाजी है, अब क्या खत्म है वो मुज़ाकरात का रास्ता बंद है इस वक्त? मारिया, पहले तो मेरे अजीज मसद्दिक मलिक साहब ने जो बात कही, हम ये पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, लड़ाओ झगड़ा जलाओ, किसी की हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, मैं कतन इसके खिलाफ भी हूँ और इसकी मजम्मत भी करता हूँ, और ये कतन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, हम ना कोई धावा बोलने आए हैं ना चढ़ाव कर चढ़ाव। सर गंडापुर साहब कह तो वैसे ही रहे ना, फिर वो कहेंगे कि आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, धावा बोल देंगे। सर अर्ज ये है कि मैं आपको अपनी जमात की और पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ कि ऐसा कतन नहीं है। ये जिसको कहते हैं कि ये बद से बदनाम बुरा, ये खौफ है इनका, ये डर है, और ये उस नो नहीं वाले वाक्यों को भूल ही नहीं। आपके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला साहब जब कहेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे इस्लामाबाद में, तो फिर वो क्या समझे? अगले वो क्या समझे जो जिस तरह की चॉइस ऑफ वर्ड्स है? देखे हमें पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत दे, हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, एक गमला भी नहीं टूटेगा। हमने 3-4 जलसे किए हैं ना, संजानी का भी किया, हमने लाहौर का भी जलसा किया, बाकी जलसे भी किए। ये इनको खौफ है इस बात का, हम मैं आपको इस चीज का मुकम्मल यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सही डॉक्टर साहब, आप लोग कल आ भी रहे हैं नहीं? क्योंकि मैंने, मेरा सवाल ये था, रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, शायद ये तारीख आगे पीछे हो जाए, क्या इसका मुमकिन है? क्या वाकई देखे अगर बातचीत के नतीजे में कोई कंसेंसस हो जाता है तो वो तो खुशाइन बात है, लेकिन हमारी ये जो कॉल है, जो कि आखिरी कॉल है, जो कि खान साहब की कॉल है, और जो कि हमने हर सूरत के अंदर ये फैसला करना है कि इस मुल्क को आपने कैसे चलाना है, क्या इसी तरह चलाना है कि एक कॉल के नतीजे में आपने पूरा पाकिस्तान बंद कर देना है, और एक बयान के नतीजे में आज सारी हुकूमत सिर्फ एक बयान के पीछे पड़ गई जो कि बुशरा बीबी ने दिया, जिसमें सऊदी अरब का कहीं जिक्र भी नहीं है। तो ये इस तरह से हुकूमत चलानी है कि जिस जो खौफ पर मुब्तला हुकूमत है और एक बसाखियों के ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है, और एक बयान के ऊपर। डॉक्टर साहब मेरा सवाल आखिरी में आपसे वही दोबारा घुमाकर पूछूंगी, क्या कल आप हर हाल में इस्लामाबाद आ रहे हैं या ये तारीख आगे होने का चांस हमारी है? हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, हम एक पुरमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाने आ रहे हैं, और हम वो तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए आएंगे जो हमारे रास्ते की रुकावटें होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मलिक साहब, अब जो सूरत हाल में देखी, इस वक्त तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आना चाह रही है, हुकूमत उनको रोकना चाह रही है, और उन्होंने शहर तो खुद ही बंद कर दिया, मुल्क भी खुद बंद कर दिया है, अब ऐसे ही मुल्क चला करेगा मेरा ख्याल है, एक कॉल दिया करेंगे, हुकूमत बंद कर देगी पैनिक होकर,
और उसके बाद फिर वो आप पहुंचे ना पहुंचे उसके बाद दोबारा मुल्क थोड़े अरसे के लिए चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलेगा सर? अब इस वक्त अभी कल आ रहे हैं, अली मीन गड्डापुर खुद लीड करेंगे ये जो कल एहतजाज आ रहा है इस्लामाबाद में? देखिए वो तो आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि वजीर आला को, वजीर आला भी जिस काम में उलझे बैठे हैं, यकीनन उन्होंने आज लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी बहुत बड़ी मीटिंग ली, रात में उन्होंने अपना जिरगा भेजा, लेकिन उनका भी प्राइमरी फोकस इसी बात पर होना चाहिए था कि वो 40 कीमती जो शहादतें हुई हैं वो कुरम या पारा चनार पहुंचते, लेकिन जब शासकीय अदम इस्तेहकाम और पोलराइजेशन इतनी बढ़ जाए कि एक हुकूमत, एक और वफाकी हुकूमत और उसकी सूबाई हुकूमतें फस्तायत पर उतर आ जाए और एक पॉलिटिकल पार्टी को पिछले 2.5 साल से क्रश करके दीवार के साथ पेदरपे लगाया जाए और एक सूबाई हुकूमत भी उसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि सियासी तौर पर वो पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई आज अपना हक, ये जो आपने बात सारी कही बिल्कुल अग्रीमेंट है, ये हुकूमत जो कर रही है गलत कर रही है, एहतजाज का हक नहीं दे रही, गलत कर रही है, लेकिन ये किस तरह से ये गंडापुर साहब को पाड़ा चनार जाने से किस तरह रोक रहे हैं कि उनका सूबा है, वो अगर जाना चाहे वो जाए वहाँ पे? नहीं, आप मेरी बात सुनो ना, दूसरी तरफ जो तनाव है और जो टेंशन है, इनिशिएट तो वफाक को लेना चाहिए ना, वफाक बड़ा भाई है, इतना बड़ा वाकया हुआ वफाक ने देखा ही नहीं, अभी जो आपने मोहसिन नकवी साहब का बयान सुनाया है चुप करके चले गए, अगर ऐसा वाकया केपीके में पीटीआई की हुकूमत के अलावा किसी और सूबे में, शहरी तो हमारे हैं वो जो भी हैं जिस सूबे से भी ताल्लुक रखते हैं, हमें मिन हासिल कौम तमाम इदारों को सोचना होगा कि हर रोज 15-20 सिक्योरिटी एहलकार नौजवान, हमारे जवान फौजी ऑफिसर शहीद हो रहे हैं और दो सूबों में अमलन दहशतगर्दी है। और आपने मुकम्मल वीडियो देखी, आपने देखा कि कैसे हुकूमत पर 24 नवंबर का खौफ तारी है और इन्होंने पूरा मुल्क बंद करके रख दिया है और इसका इल्ज़ाम भी ये पीटीआई पर लगाते हैं। हुकूमती अहदेदार कहते हैं कि पीटीआई पुरअमन जमात नहीं है और ना ही ये पुरअमन एहतजाज करते हैं, इसलिए हम इनको एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, इसके लिए हमें चाहे जितनी मरतबा मुल्क बंद करना पड़े हम करेंगे, इनको किसी भी तरह से एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन आपका क्या ख्याल है, हुकूमत की इतनी रुकावटों के बाद तरीके इंसाफ का ये एहतजाज कामयाब होगा या नहीं? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।